नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रहे बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने चारवीं कक्षा में यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ, मैंने पुनरावृत्ति के रूप में यानी रिविजन में आपको पार्ट एक में मैंने क्या शीर्षक दिया था? अच्छी आदतें। उसमें मैंने आपको क्या क्या चलाया था और क्या क्या लिख कर डाला था, ये सब मैंने बोर्ड में आपको पूरा लिख कर डाल के आपको समझाया था और उसे आप लोग इस वीक के नोट में लिखोगे। समझ में? आपके क्लास टीचर जो नोट बताएगी उसमें आपको हिंदी असाइनमेंट पूरा लिखना है। रिविजन, ये रिविजन का है। समझ में आना बच्चों? पहला वाला मैंने क्या दिया था? कठिन शब्दार्थ। और दूसरा वाला क्या दिया था? विलोम शब्द। और खाली जगह पर रो में लेटर डाल के लिखना। पहले शीर्षक पार्ट एक, शीर्षक क्या है? अच्छी आदत। और उसके बाद फर्स्ट रो में लेटर कठिन शब्दार्थ मीनिंग्स, विलोम शब्द लिखो। सेकेंड रो में लेटर, थर्ड रो में लेटर खाली जगह भरो, फोर्थ रो में लेटर सही या गलत, और फिफ्थ रो में लेटर एक वाक्य में उत्तर लिखो, और सिक्स्थ रो में लेटर तीन वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें मैंने तीन आंसर्स आपको दिया है, उसे आप लोग पूरा उस नोट में आप इस वीक का लिखोगे, है ना बच्चों? क्योंकि आप लोगों को सबमिट करना है इस वीक। अब मैं सके लेसन को आप पुनरावृत्ति रिविजन के रूप में आप देखेंगे और जो मैं उसे बोलूँगी वैसे आपको उस नोट में लिखना चाहिए। समझ में आया ना बच्चों? आप नया पार्ट नहीं है, पुराना पार्ट को ही मैं और सके लेसन को रिविजन करने वाली हूँ। ये देखिए बच्चों, अब हम पार्ट दो में आ गए। ये आप इस वीक का पुनरावृत्ति, आने वाले वीक मंडे का पुनरावृत्ति यानी रिविजन करने वाले हैं। समझ में लाओ बच्चों, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए। पार्ट एक को मैंने पुनरावृत्ति में दिया है रिविजन में, उसे आपको नोट में कॉपी करना है इस वीक को। और अगले वीक का है ये पार्ट दो, ये भी आपको नोट में अगले वीक में कॉपी करना पड़ेगा। और पार्ट दो का शीर्षक क्या है? हमारा राज्य चिन्ह। आप लोग नोट में कैसे लिखोगे? पार्ट दो पहले लिखोगे, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? हमारा राज्य चिन्ह। इसी प्रकार पार्ट एक को भी लिखना है। पार्ट एक, हाँ, उसका टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? अच्छी आदतें, है ना बच्चों? हाँ, इस प्रकार आपको ध्यान से एक एक रोमन लेटर बहुत ब्यूटीफुल और नीटली हैंड राइटिंग से लिखना है। अच्छा बच्चों, अब हम ये पार्ट दो में हमारा राज्य चिन्ह में फर्स्ट रोमन लेटर क्या है? कठिन शब्दार्थ। हाँ, चिन्ह है साइन मार्क, प्राणी लिविंग बीइंग, पंजा द फाइव फिंगर्स ऑफ द हैंड पुट टुगेदर, ताकतवर स्ट्रॉन्ग, प्रसिद्ध फेमस, कृपा ग्रेस। और एक बार बोलती हूँ, देख लो कठिन शब्द आता है, फर्स्ट रोमन लेटर कैसे लिखना? चिन्ह है साइन मार्क, वन बाय वन यू कैन राइट। प्राणी लिविंग बीइंग, पंजा द फाइव फिंगर्स ऑफ द हैंड पुट टुगेदर, ताकतवर स्ट्रॉन्ग, प्रसिद्ध फेमस, कृपा ग्रेस। ये लिखने के बाद सेकेंड रोमन लेटर में आ जाओ, वो क्या है? विलोम शब्द लिखो। हाँ, उसमें कैसे लिखना? पहला नंबर वन कैसे डालोगे? एक प्राणी, हाँ अप्राणी, प्राणी अप्राणी, ताकतवर कमजोर, ताकतवर कमजोर, विद्वान मूर्ख, विद्वान मूर्ख, राजा रंक, राजा रंक, प्राणी अप्राणी, ताकतवर कमजोर, विद्वान मूर्ख, राजा रंक। अब थर्ड रोमन लेटर देखिए बच्चों, खाली जगह भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स, है ना बच्चों? हाँ, पहला वाला देखो, हमारा देश डैश है, हमारा देश क्या है? स्वतंत्र है, हमारा देश क्या है? स्वतंत्र है। हम इस चिन्ह, सेकेंड देखो, इस चिन्ह में कितने चिन्ह है? वो तीन सिंह है, इस चिन्ह में तीन सिंह, थ्री लायंस है उस चिन्ह में, सिंबल, इस चिन्ह में तीन सिंह है। 24 घंटों का एक दिन होता है, 24 घंटों का एक दिन होता है। सिंह जानवरों का राजा है, सिंह जानवरों का राजा है। खाली जगह भरो, आप लोगों को थर्ड रोमन लेटर में नेक्स्ट लाइन में लिखना है। समझ में आना बच्चों? हमारा देश स्वतंत्र है, इस चिन्ह में डैश सिंह है, तीन, 24 घंटों का एक डैश होता है दिन, सिंह डैश का राजा है जानवर। फोर्थ रोमन लेटर क्या है? सही और गलत। हाँ, उसमें दो दिया, पहले उसे मैं दिखाती हूँ, पढ़ के दिखाती हूँ। हमारे राज्य चिन्ह में चार सिंह है, हमारे राज्य चिन्ह में चार सिंह है,
वो क्या है? गलत। सेकेंड देखो, चांद एक वर्ष में 24 बार गति बदलता है। चांद एक वर्ष में 24 बार गति बदलता है, सही। ये देखिए बच्चों, हम लोग अब थर्ड, सही और गलत थर्ड में आ गए। हम गाय बैल को जानवरों में श्रेष्ठ मानते हैं, है ना बच्चों? वो सही है। फोर्थ वन देखिए, हमारे देश के झंडे में 4 रंग हैं, वो क्या है? गलत। इस प्रकार आप लोग ये सही और गलत को ध्यान से, कितना कौन सा रोमलेट है, फोर्थ रोमलेट को लिखिए। अब मैं आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने वाला, सवाल और जवाब दोनों को मैं आप पढ़ के दिखा के वो कैसे लिखना आप मैं बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखो। हाँ, वही सके लेसन का हमारा राज्य चिन्ह में पहला फर्स्ट क्वेश्चन उत्तर यानी प्रश्न देखो। हमारे देश का राज्य चिन्ह क्या है? हमारे देश का राज्य चिन्ह है अशोक चक्र और राष्ट्रीय झंडा है। हमारे देश का राज्य चिन्ह क्या है? हमारे देश का राज्य चिन्ह अशोक चक्र और राष्ट्रीय झंडा है। हाँ, ये है पहला सवाल का जवाब। और सेकंड देखो, हमारे राज्य चिन्ह में कितनी छड़े हैं? हमारे राज्य चिन्ह में कितने छड़े हैं? हमारे राज्य चिन्ह में 24 छड़े। हाँ, वो कितने चिन्ह हैं? 24 छड़े हैं। ये आके सेकंड का सवाल का जवाब है। ये देखें बच्चों, आप सिक्स्थ रो में लेटर क्या है लिखना है आपको? 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। 3 वर्ड आंसर्स है, 3 वाक्य में उत्तर लिखो। पहला सवाल यानी प्रश्न क्या है? हर स्वतंत्रता देश को किसकी ज़रूरत होती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सारे बच्चे, मैंने क्वेश्चन मार्क के बदले में एक लाइन डाला, तुम लोग क्वेश्चन मार्क डालो। हाँ, हर स्वतंत्रता देश को किसकी ज़रूरत होती है? हर, ये आप उत्तर आंसर है, हर स्वतंत्रता देश को एक राज्य चिन्ह की ज़रूरत होती है। हर स्वतंत्रता देश को एक राज्य चिन्ह की ज़रूरत होती है। सेकेंड सवाल ले लो, राज चिन्ह के दूसरी तरफ क्या है? राज चिन्ह के दूसरी तरफ क्या है? उसका उत्तर देखो। राज चिन्ह की दूसरी तरफ बैल है। राज चिन्ह की दूसरी तरफ बैल है। थर्ड वन देखो, एक चक्र में कितने छड़े हैं? एक चक्र में कितने छड़े हैं? एक चक्र में 24 छड़े हैं। एक चक्र में कितने छड़े हैं? एक चक्र में 24 छड़े हैं। प्लीज़ बच्चों, आप जो भी ध्यान से आपको नोट में बहुत सुंदर से लिखना है बच्चों, जैसे फर्स्ट लेसन आप लोग बहुत नीट से लिखोगे, उसी प्रकार ये सेकेंड लेसन को भी बहुत सुंदर से लिखोगे। समझ में आया ना बच्चों? अब मैं फोर्थ का आंसर आप बोल कर दूंगी। ये देखिए बच्चों, आप फोर्थ क्वेश्चन आंसर में देखिए बच्चों, कौन अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? घोड़ा अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ा अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे आपको पार्ट 2 का पुनरावृत्ति रिवीजन कंप्लीट हो रहा है बच्चों। कैसे आप लोग पार्ट 1 रिवीजन को आप लोग वो नोट में कॉपी करोगे, उसी प्रकार ये सेकेंड लेसन रिवीजन का भी आप लोग ज़रूर कॉपी करोगे बच्चों। प्लीज़ बच्चों, कोविड-19 की वजह से आप लोग बाहर मत जाइए बच्चों। जो भी आपको असाइनमेंट्स, पूरा होमवर्क सब आ रहा है, उसे पूरा कीजिए बच्चों। धन्यवाद।